Click the subscribe button and press the bell icon for more updates. Hello friends, myself Naresh Kumar and you are watching Technology Fever. तो friends, आज का जो हमारा जो topic है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो दोस्तों एक खास topic है. ये topic दोस्तों कोई technology पे base नहीं है, कोई Android पे base नहीं है, कोई Facebook पे base नहीं है या कोई आप कह सकते हैं कि YouTube पे इसका कोई इसका link नहीं है. दोस्तों आज का जो topic है वो दोस्तों study related है. कि जैसे दोस्तों मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो हर साल या हर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं. तो दोस्तों एग्ज़ाम्स के पहले जो हम प्रिपरेशंस करते हैं तो उसके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा ख़ास है. क्योंकि जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं या जो सैंपल पेपर्स होते हैं तो वो जो दोस्तों एक बहुत ख़ास मैटर करता है. यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके पहले आप क्या पढ़ते हैं दोस्तों. किताबें तो दोस्तों हर कोई पढ़ता है. तो जैसे कई जो जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं या और बच्चे होते हैं वो दोस्तों सैंपल पेपर्स होते हैं या फिर उनके पास जो नोट्स वगैरह होते हैं दोस्तों वो उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं. तो आज की वीडियो इसी पे बेस है कि दोस्तों कैसे हम जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं, बीटेक के इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं या और भी जो इंजीनियरिंग कर रहा है या ग्रेजुएट वगैरह कर रहा है उसके रिलेटेड दोस्तों कैसे हम नोट्स या फिर सैंपल पेपर जो हम कहाँ से दोस्तों डाउनलोड करें या कहाँ से उसको गूगल करें या किसी वेबसाइट पे जाएं, किसी ब्लॉग पे जाएं या किसी और पोर्टल पे जाएं, सोशल पोर्टल पे जाएं जहाँ से हमको वो जो मटेरियल होगा स्टडी रिलेटेड वो हमें मिल सके. तो इस वीडियो में मैं आज आपको दोस्तों brpaper.com एक वेबसाइट है उसी का दोस्तों एक रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसे हम उस वेबसाइट से अपने जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं वो बीटेक फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड, फोर्थ और जो भी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो पीटीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी है उनके जो दोस्तों सिलेबस है उनके साथ जो उनका लिंक चलता है, जो नोट्स हैं या और भी कुछ स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स हैं दोस्तों आज इसके बारे में ये सारा वीडियो है कि कैसे हम उसको कहाँ से सर्च कर सकते हैं, कैसे गूगल करें या कैसे हम उसको दोस्तों रिसीव कर सकते हैं. तो दोस्तों वीडियो में चलने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें और अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर तो आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर कीजिए. तो दोस्तों आइए देखते हैं. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को. तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पीछे मैंने कि brpaper.com एक वेबसाइट है तो वो यहाँ पे सिंपली हम टाइप कर देंगे. जैसे नीचे सजेशन में आ गया मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये पहले नंबर पे वेबसाइट आ चुकी है. साथ में इसके स्ट्रीम्स भी आ रही है बीटेक, बीबीए और स्टडी मटेरियल्स के रिलेटेड आपकी स्ट्रीम्स आ रही हैं और यहाँ पे ये ब्लॉग स्पॉट भी इनका आ रहा है. तो सिंपली मैं यहाँ पे brpaper.com वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ. तो ये दोस्तों जैसे ये दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द वेबसाइट. यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये सिलेबस है वगैरह है, डेट शीट्स वगैरह है पीटीयू की या और यूनिवर्सिटीज़ की निकाल सकते हैं हम. वेबसाइट के बारे में अबाउट brpaper, ये इनका जो मॉड्यूल है, जो क्राइटेरिया है, जो जिस हिसाब से हम डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पेपर्स और अदर मटेरियल्स. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे टोटल डाउनलोड पेपर्स जैसे हैं ये मेरे ख्याल से कुछ 6, 3, 4, 6, 7, 8, 4 इतनी क्वांटिटी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है पेपर्स की. जो टोटल सब्जेक्ट्स व्यूड यहाँ पे हो चुके हैं वो 8848861 यहाँ पे हो चुके हैं. टोटल स्टूडेंट्स ऑन द स्पॉट ऑनलाइन कितने 130 एंड टोटल स्टूडेंट्स रजिस्टर्स वो हैं 5827. दोस्तों यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी टीचर्स आई थिंक इसको यूज़ करते होंगे. तो यहाँ पे ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स इज़ ऑल्सो विद देयर PTU के यहाँ पे बहुत से यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं. केमिस्ट्री, फिजिक्स, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, कम्युनिकेशन, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड सो ऑन. सो गाइस यहाँ पे ब्लॉग अपडेट्स में यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ लिखी है जो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम के एक दिन पहले की कुछ यहाँ पे लिखा है. 5 things टू थिंक अबाउट द नाइट बिफोर एग्ज़ाम. यहाँ पे कुछ इन्होंने पॉइंट दिए हैं. पॉजिटिव इमेजिनरी, यूर बेस्ट परफॉर्मेंस, यूर प्रेपरेशन, फोकस ऑन यू, अ गुड नाइट स्लीप. काफ़ी अच्छे पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि सभी अगर तो आप
एग्ज़ाम के पहले पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, प्रेपरेशन अपने आप में अच्छी करना चाहते हैं, तो ये 5 पॉइंट हालांकि इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं। रेगुलर कोर्सेज यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, बीटेक, बीबीए, बीसीए, इनके रिलेटेड आप स्टडी मटेरियल्स इकट्ठा कर सकते हैं, और डिस्टेंस कोर्सेज भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये मॉड्यूल दिया हुआ है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यहाँ पे सिलेक्ट, सीधा मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी डियर, PTU, PSBTE, PTU डिस्टेंस एजुकेशन। तो फ़िलहाल गाइस मैं यहाँ पे PTU सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अपनी जो ब्रांच है वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मेरा 8th सेमेस्टर है, तो मैं यहाँ पे BTEC लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे BTEC लिखी है और ये नीचे सजेशन में आएगा BTEC कोर्स, तो ये इसने हमने आगे पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ गए हैं जो मेरी स्ट्रीम के रिगार्डिंग, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, ME, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो गाइस एज़ यू नो आई बिलोंग्स टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन आई विल वर्क ऑन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमेस्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया। सो दोस्तों देयर आर 1st, 2nd सेमेस्टर, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। आई बिलोंग टू 7th एंड 8th सेमेस्टर बिकॉज इट्स माई फाइनल सेमेस्टर, सो आई विल क्लिक ऑन द 7th 8th सेमेस्टर। सो हेयर आर द सब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नेटवर्क, इमेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, एनवायरमेंटल साइंस, फॉर्मल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग, सिंबॉलिक लॉजिक एंड लॉजिकल प्रोसेस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जो ये SPM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका कुछ पेपर्स मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, तो इस पर सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स हियर यू कैन सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स अकॉर्डिंग टू द ईयर वाइज यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर, 2014 और देयर, 2015 ऑल्सो देयर, 2016 ऑल्सो देयर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं SPM मई 2016, यहाँ पे ये वाला मैं क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ मुझसे एट द डुप्लीकेट नंबर फाइल, तो दोस्तों यहाँ मैं ओके कर देता हूँ तो ये यहाँ पे इसका लिंक आ गया है, ये 202 कुछ के बी का है। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, चलिए यहीं पे सेव कर देते हैं जो पाथ है, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ी देर में हमारे पास ओपन हो ही जाएगा। और ये यहाँ पे कुछ इसके रिलेटेड सब्जेक्ट जो पीछे वही थे, AI, CEN, इलेक्टिव, सारे सब्जेक्ट दोस्तों वही हैं। चलिए इसके मैं यहाँ पे होम पे चला जाता हूँ, चलो होम पे आ गए। तो यहाँ पे मैं आपको दिए दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास खुल चुका है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सेट हुआ है पूरा। जैसे यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पेपर आता है फॉर्मेट सेम वही है, वही यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी है, वही यहाँ पे रोल नंबर, पेजेस, टाइटल, सब टाइटल, सब्जेक्ट कोड, पेपर ID, ऑल एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। देर आर 2 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, 5 नंबर क्वेश्चंस एंड 10 नंबर क्वेश्चंस सेक्शन सी। तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ बताऊं तो यहाँ पे अगर मैं सिलेबस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे PTU के सिलेबस हैं, ऑल कोर्स सिलेबस एंड PSBTE है। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पे कुछ सिलेबस दिखा देंगे, और ये हमें PTU की वेबसाइट से इसने रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और जो सिलेबस वगैरह उसका निकाल सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, बैक जाता हूँ।
तो डेट शीट भी वगैरह सेम प्रोसीजर वही है, यूनिवर्सिटी न्यूज़ यही सीधा। अगर मैं आपको वेबसाइट के बारे में कुछ बताऊं तो मैं इसको अबाउट अस पर क्लिक करता हूं इसके, तो यहां पे ये जो कॉन्टैक्ट का पेज खुला है यहां पे अपनी आप क्वेरीज वगैरह के रिलेटेड कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, अगर आप टीचर हैं तो टीचर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू जो आप देना चाहते हैं या देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है आई नीड हेल्प, आई हैव अ सजेशन, आई वॉन्ट टू से हेलो, आई हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आई हैव गॉट कॉपी राइट इशू, तो इसके रिलेटेड आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं या कुछ उनके साथ जो कन्वर्सेशन वो आप कर सकते हैं। तो अबाउट अस पे यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ कि वेबसाइट जो है वो स्मॉल टीम ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा 2011 में शुरू की गई थी, जिनका जो सपना था कि स्टडी मटेरियल को डिजिटलाइज कर दिया जाए। वो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ये काम शुरू किया था। तो उनका जो गोल है वो यूनिवर्सिटी के सारे जो भी मॉड्यूल्स हैं वो ऐड करने का इसमें है, और उन्होंने ये भी लिखा है अवर गोल इज़ टू मेक बीआर पेपर अ बिगेस्ट इंडियन स्टडी पोर्टल। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के वो brpaper.com वेबसाइट को इंडिया का बिगेस्ट स्टडी पोर्टल बनाना चाहते हैं। दोस्तों फ़िलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर तो आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और आपका जो यूनिवर्सिटी वो PTU के अंडर आता है, तो दोस्तों आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड यूनिवर्सिटी पेपर्स एंड अदर स्टडी रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए। तो बाकी दोस्त बहुत ये वेबसाइट मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। तो चलिए दोस्तों, अगर तो आपको वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगर तो चैनल पे आप नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे अपना चैनल खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं अपने चैनल का जो नाम है वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और चैनल का नाम मेरे टेक्नोलॉजी फीवर है, ये नीचे आ चुका है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर पर चैनल आ चुका है। आप इसको क्लिक करके आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है, आप यहाँ से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये लाल बटन आ रहा है यहाँ से भी आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी फीवर का एक ब्लॉग स्पॉट भी मैंने बनाया, आप उस पर भी जाकर वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।